सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों बता दे कि 15 अगस्त से क्या फिजिकल शुरू होगा, एक स्क्रीनशॉट जो झारखंड पुलिस के टेलीग्राम है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि जो भी झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी हैं वह हमारे नंबर को उस ग्रुप में जोड़ दिए हैं। बड़े बड़े जो झारखंड पुलिस का ग्रुप चल रहा है, जहां पर 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों का ग्रुप है, समझ गए दोस्तों। तो वहां से हमें एक नोटिस मिला है, स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है कि 15 अगस्त का जो टेंटेटिव डेट है वह दिया गया है कि 15 अगस्त से फिजिकल शुरू हो जाएगा झारखंड पुलिस का, और एडमिट कार्ड जो है वह 10 अगस्त तक आ जाएगा। तो क्या सच में दोस्तों, आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं। साथ में जो झारखंड उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक सूचना है, वह भी अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहे। साथ में झारखंड पुलिस में यदि आप अप्लाई किए हैं तो आप अपना, जब आपका मान चलिए 10 अगस्त को यदि आपका एडमिट कार्ड आने की कोई सूचना है या एडमिट कार्ड आता है तो सबसे पहले एक पीडीएफ आएगा। उस पीडीएफ में आप कैसे पता कीजिएगा कि आपका जो रोल, आपका जो फिजिकल है किस जगह दिया गया है, तो इस वीडियो में वह भी चीज सब कुछ सीख लीजिए। ये वीडियो हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है, जो झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी हैं, चाहे जहां के भी है, जिस भी राज्य के हैं, इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बता दें, झारखंड पुलिस में अब जो है जितने भी प्रक्रिया है सभी पूरी हो चुकी है, मतलब यहाँ पर स्क्रूटनी प्रोसेस है वह हो गया है। 1,44,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, बाकी यहाँ पर 14 से 15 लाख बच्चे अभी बचे हुए हैं। किसके लिए? फिजिकल देने के लिए। और दोस्तों बता दें, तो आप लोगों का फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और एग्जाम होगा। पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में जो बच्चे पास होंगे उनका मेडिकल होगा, मेडिकल में जो बच्चे पास होंगे उनका एग्जाम कराया जाएगा। दोस्तों फिजिकल के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, जो नोटिस में लिखा है, समझ गए। और मेडिकल, फिजिकल, एग्जाम सब कुछ आपको झारखंड में ही होगा। अभी जो एडमिट कार्ड आना है, समझ लीजिए कुल 14 लाख अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आना है, और कुल 22 जगहों पर आपका फिजिकल होगा, कुल 22 जगहों पर आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल जब भी नोटिस आएगा, फिजिकल का एक पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ में आपको कैसे पता करना है ये सारी दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों देख लीजिए, ये एक स्क्रीनशॉट है, काफी ग्रुप में वायरल हो रहा है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट, देख लीजिए स्क्रीनशॉट है 1:33 में, और देख लीजिए यहाँ पर ये स्टूडेंट के द्वारा, कौन सा स्टूडेंट है इसको काफी वायरल कर रहा है, और काफी स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन किए क्या भाई सच में ऐसा होगा, हमें बताइए, क्योंकि हम जो है अपना रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कंट्री इंडिया, स्टेट झारखंड, एग्जाम नेम JSSC पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2024, कंडक्टिंग बोर्ड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC, ये सब कुछ ठीक है। पोस्ट नाम पुलिस कांस्टेबल डिपार्टमेंट झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट, वैकेंसी 4,919, ये भी ठीक है। एडमिट कार्ड अगस्त 2024, और फिजिकल जो है 15 अगस्त 2024। देखिए यहाँ पर दोस्तों बता दे, आप लोग जब इसे स्क्रीनशॉट में देखिएगा तो कोई भी चीज आपको यहाँ पर गलत नजर नहीं आएगा, ना झारखंड का स्पेलिंग मिस्टेक है, ना इंडिया का, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। और ये काफी वायरल हो रहा है हमारे व्हाट्सएप पर, समझ लीजिए ये लगभग 1,000 से ज्यादा मतलब स्टूडेंट जो हमारे जुड़े हुए हैं जिस ग्रुप में, उस ग्रुप के स्टूडेंट हमारे नंबर पर भेजा है कि क्या यार ये सच है, ये हमें बताइए। टेलीग्राम में के भी स्टूडेंट है जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये सच है। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले चीजें हम ये बता दे, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखते हुए कि दोस्तों झारखंड पुलिस का फिजिकल को लेकर आपको बता दे कि झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल के लिए घोषणा की गई है, उसका जो है पीडीएफ जारी किया गया है। झारखंड उत्पाद के जो सिपाही के जो बच्चे हैं जिनका फिजिकल होना है, कुल 22 सेंटर पर उनका बोर्ड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, कहां पर बच्चों का फिजिकल होगा ये भी बच्चे पता कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पता कर लिए उनका फिजिकल कहां पर होगा, क्योंकि उनका जो है एडमिट कार्ड समझ लिए एक तरह से आउट कर दिया गया है झारखंड उत्पाद का, कि डेट नहीं बताया गया है किस दिन होगा, लेकिन स्थान बता दिया गया है कि आपका फिजिकल इस जगह पर होगा, मतलब फिजिकल सेंटर का नाम बता दिया गया है झारखंड उत्पाद सिपाही का। लेकिन दोस्तों बता दे, झारखंड पुलिस के जो झारखंड पुलिस है, झारखंड पुलिस के फिजिकल को लेकर अभी तक ऑफिशियल कोई भी घोषणा झारखंड पुलिस या झारखंड सरकार के तरफ से या JSSC की वेबसाइट से नहीं किया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है आप लोग ये जो देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है, जहां पर देखिए कि झारखंड फिजिकल 15 अगस्त
और एडमिट कार्ड अगस्त में। तो दोस्तों बता दें, ये जो है किसी वेबसाइट वाले का काम है, जो वेबसाइट पर बनाते हैं उन्होंने अपने वेबसाइट पर ये सारा डाटा लिखा और एडमिट कार्ड अगस्त 2024 लिख दिया और फिजिकल टेस्ट जो है 15 अगस्त लिख दिया, मतलब 15 अगस्त से फिजिकल शुरू हो जाएगा और अगस्त में एडमिट कार्ड आएगा। दोस्तों बता दें, आप जहां पर ये देख रहे हैं कुछ दिन के बाद इसी वेबसाइट पर, अब जिसका वेबसाइट हो उसी वेबसाइट पर जब सेप्टेम्बर आएगा तो यहाँ पर एडमिट कार्ड सेप्टेम्बर होगा और फिजिकल जो है सेप्टेम्बर का कोई डेट दे दिया होगा। तो दोस्तों बता दें, ये जो अभी वायरल हो रहा है दोस्तों, ये फर्जी है, समझ गए, ये फर्जी है और इसको जो भी स्टूडेंट है भाई जिसके पास ये जाता है उसको आगे शेयर मत कीजिए, ये गलत है। अभी तक झारखंड पुलिस के तरफ से या झारखंड सरकार के तरफ से डेट को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई बार झारखंड सरकार की तरफ से बताया गया है कि हम पुलिस का फिजिकल जल्द कराएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दे, झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में आप लोग देख लीजिए, ये झारखंड उत्पाद सिपाही का नोटिस है जिसमें फिजिकल को लेकर बताया गया है। 24/6/2024 को झारखंड उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को ये नोटिस जारी किया गया था 24/6/2024 को, लेकिन दोस्तों एक महीना हो गया है, शायद लगता है अगस्त में दोस्तों इसका फिजिकल 15 अगस्त तक झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर ये झारखंड उत्पाद सिपाही का देख लीजिए, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर आउट कर दिया गया है, सिलेक्शन बोर्ड रांची। अब जो स्टूडेंट हैं यहां पर देखेंगे, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां पर देखिए 23/60/1/1546 यहां पर ये है, इसके बाद यहां पर देख लीजिए है। तो दोस्तों यहां पर जो बताया गया है आप लोगों को बता दे दोस्तों, यहां पर देख लीजिए ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर और इस रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच में, समझ गए दोस्तों, यहां पर जो रजिस्ट्रेशन दिया गया इस रजिस्ट्रेशन से लेकर और इस रजिस्ट्रेशन के बीच में जो भी स्टूडेंट आएंगे, समझ लीजिए उनका डे वन में जो डेट होगा, डे वन में उनका जो है रांची में फिजिकल होगा, रांची में। देख लीजिए इस रजिस्ट्रेशन से लेकर आप अपना जो उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हैं यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन मिला लेंगे और यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन मिलाएंगे, जैसे यहां लास्ट में 06 है और लास्ट में यहां 24/21 है। अब इस 06/24/21 के बीच में जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका जो है रांची में होगा और यहां पर देख लीजिए बता दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसी तरह से झारखंड पुलिस का भी फिजिकल PDF आएगा, उस फिजिकल PDF में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा और फिजिकल का स्थान दिया रहेगा। पहले आप लोगों का फिजिकल सेंटर आएगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगा सकेंगे कि आपका फिजिकल कहां पर होगा। जैसे देख लीजिए, यदि झारखंड पुलिस का ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो यहां से आप देखिएगा और यहां तक, तो यहां पर पता चल जाएगा कि मेरा नंबर इसमें है, समझ गए, मेरा। जिस तरह से आप लोग बिहार पुलिस यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रहता है, रूम नंबर 1 में इतना से इतना, रूम नंबर 2 में इतना से इतना। तो दोस्तों यहां पर भी झारखंड में झारखंड पुलिस हो या झारखंड उत्पाद सिपाही हो, यहां पर रांची का जो फिजिकल, मतलब 22 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज रहेगा कि इतना रजिस्ट्रेशन से लेकर इतना रजिस्ट्रेशन के बच्चे इस सेंटर पर फिजिकल होगा। तो जो झारखंड उत्पाद सिपाही के बच्चे हैं उनका नोटिस आउट हो गया है, जाकर आप लोग देख लीजिए, और जो झारखंड पुलिस वाले बच्चे हैं उनको बता दे कि दोस्तों अगस्त में ही आप लोगों का जो है फिजिकल कंडक्ट होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अगस्त 2024 में 8वां महीना में 70% चांस है कि आपका फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्पाद सिपाही का फिजिकल मात्र 12 डेज चलने वाला है, समझ गए। तो अगस्त के लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो झारखंड पुलिस का जो फिजिकल है वह अगस्त सेप्टेम्बर में फिक्स है कि अगस्त सेप्टेम्बर से लेकर अक्टूबर तक में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो तैयारी में लगे रहे, और जो हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया वो फेक है, एडिट किया हुआ है, उस सब पे ध्यान मत दीजिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आएगा, कोई नोटिस आएगा, हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।